हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मोस्टली इसमें भी हमारा क्या होता है, लिमिट्स का यूज होगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। तो पहला पॉइंट, तो हमने क्या बोला था कि जब भी हमें कोई डेरिवेटिव निकालना हो तो हम क्या यूज करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जैसे हमने क्या लिखा था, जैसे पहले इससे पहले चैप्टर में एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक तो ये लिखा था। ठीक है, और हमने वेरिएबल एच, इसको वेरिएबल को जीरो की तरफ लेके गए थे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एच क्या लिखा था, लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। दिस इज ऑल्सो क्या है, ये हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए पॉइंट। तो अब ये वाली चीज में देखो, ये तो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया ए पे। अब मुझे क्या करना है, जनरलाइज करना है इसको, जनरलाइज करना है मतलब एक जनरल पॉइंट एक्स पे मेरे को डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या लिखूं मैं, सिंपली इस वाले इक्वेशन में जो मैंने लिखा यहां से यहां तक ही वाले, इसमें मैं ए की जगह एक्स रख देता हूं, तो एक जनरल पॉइंट पे आ जाएगा मेरा डेरिवेटिव। तो मैंने बोला एफ डैश एक्स, क्या कर रहा हूं, इसी इक्वेशन में ए की जगह एक्स रख रहा हूं। तो फाइनली मेरा इधर क्या बनेगा, एफ लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये एक हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है हमें तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से डेरिवेटिव को निकालने को बोलते हैं फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर एब इनिशियो मेथड। लिख लेते हैं, फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग अबव फॉर्मूला इज कॉल्ड एब इनिशियो, ए बी आई एन आई टी ओ एब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो, जैसे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो हम लोग तो क्या, जैसे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम टाइम्स तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। ये चीज कब यूज होगी, स्पेशली तुम्हारे बोर्ड में एग्जाम में यूज होगी, जेई में भी कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बट फॉर टाइम बीइंग मैंने क्या बोला, ये मोस्टली कब यूज होगा, बोर्ड में तुम्हारा। बोर्ड में क्या आएगा, जैसे फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम डायरेक्टली डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, इतना सा नहीं लिखेंगे, जीरो नंबर मिलेगा, हमें इस लिमिट से निकालना पड़ेगा। आज हम देखने वाले वही साथ आज के लेक्चर में। ठीक है ना, तो कुछ हम बोर्ड्स के क्वेश्चंस लेंगे जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का। क्लियर है, तो फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एब इनिशियो मेथड। इसको भूल भी जाओ नाम को तो कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि बोर्ड में ये यूज होगा। फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ बोलेगा एल एन एक्स का डेरिवेटिव निकालो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो कुछ नहीं हमें ये निकालना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, मतलब लिमिट का क्वेश्चन हो गया बेसिकली वो। बिकॉज एक बार जो फंक्शन आ गया हमने इधर रखा, उसके बाद तो ये पूरा लिमिट का क्वेश्चन है, कुछ उसका मतलब ही नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी से उसका। ठीक है, चलो तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसके एग्जांपल सुनूंगा थोड़ी देर में मैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स को, वो लिख लेते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स कितने तरीके से कैसे कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो लेट्स से जी हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। मैंने बोला y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की बात चल रही है, हमें डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करना है, कैसे कैसे करते हैं। तो हमारा आंसर होगा, देखो एक तो मैं लिखूंगा dy by dx। ठीक है, दूसरा मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू d by dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया है, फर्दर आई कैन राइट दिस एज वही अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसको पांच बार माइंड में बोल लो, बिकॉज वो कंफ्यूजन होता है बच्चों को आगे जाके, ए प्लस एच था फिर वही, समझ में आ रहा है ना, तो इसको दिमाग में 10 बार बोल लो इस चीज को स्पेशली। ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले को। हाँ, उसके बाद और कैसे रिप्रेजेंट करते, अच्छा आप देखो और बता रहा हूं मैं। मैंने बोला न्यूमरेटर जो है बेसिकली वो क्या है, दैट इज बेसिकली वाई का वैल्यू, एफ मतलब वाई का वैल्यू, और नीचे जो एच है बेसिकली वो एच लिखा क्या है, ऐसा लिखा है एक्स प्लस एच, अगर मैं इसको और
ऐसे फॉर्म में लिखूं, ऐसे लिखा है, तो ऊपर तो मेरा क्या लिखा है y के वैल्यूज का डिफरेंस, नीचे क्या लिखा है x के वैल्यूज का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा अब जैसे मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैंने लिखा इसको मैं y2 बोल रहा हूं, इसको मैं y1 बोल रहा हूं, और अपॉन इसको x2, इसको x1, दिस इज व्हाट y। अब मतलब कहने का मतलब अगर h 0 को जा रहा है तो ये चीज इसको जा रही है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं लिमिट x2 इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स x1, ये चीज और ये चीज सेम है, y2 minus y1 upon x2 minus x1 and x2 is approaching towards x1, so this is all। अच्छा लेकिन हाँ मैंने इधर x1 नहीं लिखना चाहिए because मैं इधर x के terms में लिख रहा हूँ, so I should write it here x। अब exactly same है, वो जो चीज़ ऊपर लिखी है वो इसके बराबर है, ये y का value है, ये y, ये y2, y, y, x2, x, तो limit x2 is approaching towards x, this is this thing। मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या है basically change in y, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब इधर मैं लिमिट क्या लगाऊंगा, अगर एक्स टू एक्स को जा रहा है तो जो ये जो मैंने डेल्टा एक्स लिखा है वो कहां जाएगा, जीरो को, तो मैं इधर ऐसे लगा सकता हूं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। याद रखना अभी हम इस चीज का भी यूज करेंगे कुछ डेरिवेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। देखो मैंने तुम्हें उधर भी बताया था, वैसे तो ये जो चीज होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज रेट को, भले लिख लो इधर अगर उधर नहीं लिखा है डिफरेंशिएबिलिटी में, इसको अलग से लिख लो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्या है ना ये क्या है एवरेज रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखो इधर एवरेज रेट चेंज, एवरेज रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन जब मैंने इसमें डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर दिया ना, मतलब बहुत बहुत स्मॉल चेंज के लिए मैंने बोला ये तो ये चीज हो गई, और फिर मैंने लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और इधर लिमिट लगा दिया अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तब ये मेरा क्या होगा इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ वही वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों में डिफरेंस है ठीक है ना, वो एवरेज रेट चेंज है ये इंस्टेंटेनियस रेट चेंज है ठीक है। चलो अब आते हैं इस पे उसी वाले पॉइंट पर, आते मैं इसको रब कर रहा हूं तुम लोग लिख लो ठीक है, इसको लिख लो अगर नहीं लिखा पता हो तो ये लिख लो। हाँ तो क्या आया अपन ने ये आ गया ठीक है, फर्दर अब इसको कैसे रखेंगे, और तो देखो एक और तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, ये सब एक ही चीजें लिखी है सारी, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू वाई डैश, वाई के ऊपर एक डैश लगा देते हैं, दिस रिप्रेजेंट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्दर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ डैश एक्स, वाई की जगह एफ एक्स रखा मैंने। अब आते हैं मेन चीज पे, दिस इज वॉट डी ऑफ वाई, इस डी ये डी क्या है बेसिकली हमारा डी बाय डी एक्स, और इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर याद रखना इसको नाम डी ऑफ वाई, क्लियर है। तो ये सारे हमारे डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो गए ठीक है, आई होप समझ में आए होंगे सारे। चलो तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो और इस चीज को कॉपी कर लो तुम लोग। अब हम इस पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट को, तो चलो देखते हैं, बहुत स्मूथ जाएगा तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ठीक है ना। अगर फिजिक्स में नहीं भी पढ़ा था मान लो उस टाइम नए नए थे, कुछ बच्चों को तो अच्छा है देखता हूं मैं डेरिवेटिव, बट बहुतों का डिफरेंशिएशन इतना अच्छा नहीं होता, बट आपसे स्ट्रांग हो जाएगा बहुत। हाँ बट लिमिट में थोड़ा कमांड रखना। चलो अब मैंने बोला थर्ड पॉइंट, अभी जैसे मैंने लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसी को एज ए नोट करके लिख लो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो इज नथिंग बट डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो मैंने इसकी जगह ऐसे लिखा डेल्टा के अपॉन डेल्टा एफ और डेल्टा एफ अप्रोचेस जीरो लिख दिया, तो दिस इज नथिंग बट डी के बाय डी एफ, वेरिएबल का नाम चेंज किया बस, कंसेप्ट वही है, सेम ही चीज लिखी ठीक है, वाई की जगह के एक्स की जगह एफ है ठीक है, ये चीज याद रखना है। दूसरी चीज अभी जैसे मैंने तुम्हें बोला था कैपिटल डी क्या होता है डी बाय डी एक्स ठीक है ना ऑफ वाई, तो ये एक यूनिट है, मतलब कहने का मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते डी वाई बाय डी एक्स कैन नॉट बी रिटर्न एज डी वाई इंटू वन बाय डी एक्स, ये गलत हो जाएगा, मतलब इधर नॉट इक्वल टू लगा है तो सही है, दिस इज इक्वल टू दिस इज रॉन्ग,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक यूनिट है, जैसे मैंने बताया ना, d by dx इज नॉट रेशियो ऑफ dy एंड dx, नहीं ऐसे ऐसे डिफाइन नहीं हुआ है, याद रखना लॉजिकली कि dy अपॉन dx ऐसे लिख लो, दिस इज नॉट रेशियो ऑफ dy एंड dx, ऐसा नहीं है, ये d by dx एक यूनिट है ये, ठीक है ना, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है हाँ, लेकिन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में कर सकते हैं, तो अगले नोट में ये भी लिख लो इसी सीख के अंदर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा वाई इनटू डेल्टा एक्स, वन अपॉन डेल्टा एक्स, ये लिख सकते हैं, दिस इज टोटली करेक्ट, ये तो बेसिकली रेशियो ऑफ टू नंबर्स है, बट डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ऐसे लिख लो भले, दिस इज रेशियो ऑफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स, क्लियर है यहां तक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना हमें, ठीक है ना, अब से हमारे लिए डी बाई डी एक्स एक यूनिट है, उसके उसका हमने वाई आगे लिखा है, दिस इज नॉट सिंपली रेशियो ऑफ डी वाई एंड डी एक्स, ठीक है ना, क्योंकि अभी इस पे मैं और स्ट्रेस देने वाला हूं, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा नेक्स्ट नोट है वो हम प्रूव करने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी एक्स ओवर डी वाई, अब बहुत से लोगों को इसमें कैसा लगेगा, मैं डायरेक्टली बोलूंगा ना कि सिंपली हमने dy को इसके नीचे ले गए, बट इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं लेगा, बिकॉज मैंने अभी बताया तुम लोगों को, समझाया कि दिस इज नॉट रेशियो ऑफ dy एंड dx, मैं उसको सेपरेटली नहीं लिख सकता, तो मेरे को क्या ये वाला स्टेप बीच में यूज करना पड़ेगा इसके डेरिवेशन के लिए, ठीक है, इधर तो ये इक्वल आ जाते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, जब तुम हायर डेरिवेटिव में जाओगे ना d2y / dx2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन d2x / dy2, ये तो लकीली आ गया रेसिप्रोकल एक दूसरे का, तो इसको देख के तो ऐसे लगता है जनरली ऑब्वियस थॉट इज एक नॉर्मल सबको ही कि सिंपली हम dy को इसके नीचे लेके आए, बट ऐसा नहीं है, अभी हम प्रूफ देखेंगे एक्चुअल प्रूफ, ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर हम इसको इसके नीचे लेके आते तो गलत क्यों होता है, क्लियर है ना, तो दिस इज करेक्ट दिस इज रॉन्ग, और इधर भी करेक्ट, हमने मैंने क्या बोला मैथमेटिकली हमने ऐसे नहीं किया कि dy को इसके नीचे लेके आए, ठीक है, ऐसा नहीं किया है, बिकॉज दिस इज नॉट द रेशियो ऑफ dy एंड dx, क्लियर हुआ, चलो तो अब वो है क्या चीज उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके लिए मैं रब करता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, हर एक चीज लिखो, ये भी लिख लो अभी, ठीक है ना, आगे वैसे पढ़ने वाले हम ये वाली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट फिर भी अभी लिख लो, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा दैट इज डी वाई बाय डी एक्स इज वन अपॉन डी एक्स ओवर डी वाई, डी वाई बाय डी एक्स इज नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ है जो भी नोट है दैट इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी एक्स ओवर डी वाई, दिस फर्दर इंप्लाइज ऐसे बोल सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय, इसी को दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं, चीज एक ही है इसमें लिख रहा हूं, y इक्वल टू वन, ये हो गया, अब ऐसा मत सोचना कि ये dx से dx कैंसिल, dy से dy कैंसिल, नहीं ये dy बाय डी एक्स सेपरेट नहीं है ना, मैंने अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, चलो तो अब इसका प्रूफ देखते हैं, तो लेट से मेरा कोई फंक्शन है fx, y इज इक्वल टू f ऑफ x जो मेरा डिफरेंशियबल है, जो मेरा डिफरेंशियबल है, अब हम इसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, आई एम ड्राइविंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहा हूं, तो देखो मैंने लिखा dy बाय dx, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स के टर्म्स में क्या लिखूंगा मैं, दिस इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, ये तो बेसिक डेफिनेशन जो मैंने पहले डिस्कस कर चुकी, डीवाई बाई डी एक्स इज वॉट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वे डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, ठीक है, अब सुनना, अब मैंने तुम्हें बताया कि dy by dx को तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, रेशियो ऑफ d by मतलब सेपरेट नहीं कर सकते dy और dx को, पर डेल्टा y और डेल्टा x को तो कर सकते हैं, कीपिंग दैट इन माइंड मैंने क्या किया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस जीरो, वन अपॉन डेल्टा y को नीचे लेके गया, ठीक है, अब सुनना इंपॉर्टेंट चीज, अब वो कंटिन्यूटी वाली जो हमने एक चीज पढ़ी थी कि लिमिट एग्जिस्ट करता है अगर न्यूमरेटर जीरो को जा रहा है, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है तो न्यूमरेटर भी जीरो को जाना चाहिए, वो चीज यूज होगी, आप देखो क्या है इस वाले में, मैंने बोला डेल्टा एक्स जीरो को जा रहा है, मतलब ये ऐसा ऐसा समझो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मैंने बोला ये जीरो को जा रहा है और मुझे पता है कि ये पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों भाई, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियबल है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है
अब मैंने बोला पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एल एग्जिस्ट, एल एग्जिस्ट, और डेल्टा डिनोमिनेटर जो है वो जीरो को जा रहा है, तो न्यूमरेटर हैज टू टेंड टुवर्ड जीरो। इसका मतलब क्या हो गया मैथमेटिकली, इफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो देन डेफिनेटली डेल्टा वाई ऑल्सो अप्रोचेस जीरो, होना ही पड़ेगा। जब ये जीरो, अगर मान लो डेल्टा वाई जीरो को नहीं गया तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, बट उसने तो बोला लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि फंक्शन उसने डिफरेंशियबल बोल रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा वाई जीरो की तरफ जा रहा है। अब मैंने फर्दर में इसको क्या कर सकता हूं, डेल्टा एक्स जीरो को जा रहा है, इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वाई जीरो को जा रहा है, तो दिस इज माई लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस जीरो वन अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। अब इस लिमिट को तो मैं डिनोमिनेटर में भी लिख सकता हूं, इसको तो मैं डिनोमिनेटर में भी लिख सकता हूं, तो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस कैन फर्दर बी लिमिट एज लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं, वन अपॉन डेल्टा वाई अप्रोचेस जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। अब बेसिक डेफिनेशन से ये क्या हो गया, dx ओवर dy, सबसे बेसिक डेफिनेशन से जो लिखवाया था, तो इसका मतलब दिस कैन फर्दर बी रिटन एज वन अपॉन dx ओवर dy। तो समझ में आया, इतना प्रूफ है इसका, दिस इज नॉट सिंपली टेकिंग dy इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? चलो ये चीज याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि डिफरेंशियबल है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डेल्टा x जीरो को जा रहा है, देन डेल्टा वाई हैज टू टेंड टुवर्ड जीरो, उस फैक्ट का यूज किया, प्लस हमने एक और क्या फैक्ट यूज किया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को तो मैं सेपरेट कर सकता हूं, दिस इज बेसिकली रेशियो ऑफ टू नंबर्स डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, तो उसको डेल्टा वाई को मैं नीचे लेके गया, क्लियर है यहां तक? चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आते हैं एक्चुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया थोड़ा, चलो अब हम क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, पहले जो बोर्ड में आ सकते हैं, मतलब आ सकते क्या, हर बार आता ही है ऑलमोस्ट, फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, किसका, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो क्वेश्चन कैसा लिखा होगा बोर्ड में, ऐसे जैसे लेट्स सी फॉर ए फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड dy by dx फॉर y इज इक्वल टू, लेट्स सी मैं साइन एक्स ले रहा हूं, ठीक है ना, बहुत सारे करने वाले हम साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रॉपर ऐसे लिख लेना तुम, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो ठीक है, और बेसिकली जो फॉर्मूला है ना फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी से तो आए सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, जैसे हम जो पढ़ते ना साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एलएन एक्स का वन बाय एक्स वगैरह, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये ऑल वर ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली, ठीक है, तो बस हम वो डेरिवेशन ही देख रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और वही क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने वो लिख लिया पहले एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन, इसको दो चार बार लिखोगे तब तुम एकदम टिप्स पर रेडी हो जाएगा, ठीक है ना, वैसे है कुछ नहीं उधर, हमने ए को क्या किया था, हमारा जो उधर था ए को एक्स से रिप्लेस किया था, ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। फर्दर अब मैंने बोला चलो इसको, अब f की जगह मैंने sin x रख दिया, दिस इज माय y is equal to fx is equal to sin x है, तो sin of ये क्या हो जाएगा, sin of x plus h, this will be my sin of x plus h minus fx will be sin x upon h, और इधर मेरा लिखा है limit h approaches 0। अब obvious से thought, अब ये क्या हो गया, now this is a limit question, now this is a limit question, this is a limit question, अब इसका कोई relation नहीं है differentiability वगैरह से, इसके बाद ये limit का question हो गया, मान लो मैंने तुम्हें वो ये question के तौर पे दे दिया find this limit, ठीक है, चलो अब करते हैं, तो obvious thought क्या आएगा सबसे पहले इसको करने के लिए, sin c minus sin d लगा देते हैं, तो चलो लगाते हैं, फिर मैंने लगा sin c minus sin d, तो 2 sin c minus d by 2, c माइनस डी करेंगे तो x प्लस एच माइनस एक्स क्या बचेगा, चलो लिख लो प्रॉपर, x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी हो जाएगा x प्लस एच प्लस एक्स, एक्स प्लस एच प्लस एक्स होल डिवाइड बाई टू, होल डिवाइडेड बाय माई एच, ये हो गया, और इधर लिखा है लिमिट
एच अप्रोचेस जीरो। अब देखो ये x से ये x गया, ठीक है, ये 2 को मैं इसके नीचे लेके आ रहा हूं, ये देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया मेरा, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग एंड दैट समथिंग इज स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो, व्हाई, बिकॉज एच इज स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो, तो एच बाई टू भी जीरो को जाएगा, तो दिस यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट दिस इज वन, और इधर एच रख दो, एच की जगह आप जीरो रख दो, तो वो गायब, डिटरमिनेंट फॉर्म इसी के कारण आ रहा है ना, तो इधर तो एच की जगह जीरो रखूंगा तो क्या आएगा, कॉस ऑफ टू एक्स बाई टू मतलब कॉस एक्स, तो हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, तो इससे आया तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज बेसिकली कॉस एक्स, ठीक है। अब तुम लोग क्या करो, उल्टा कर लो, एक बार कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालो साइन एक्स से, ठीक है, तो तुम्हारा माइनस साइन एक्स आएगा, आपको सोचो फील भी आ गई होगी, जैसे किसी का फर्स्ट जब मैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा तो कॉस सी माइनस कॉस डी बनेगा, जब कॉस सी माइनस कॉस डी बनेगा तो माइंड में ही तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें क्या होता है, एक तो दोनों टर्म साइन के होते हैं और एक माइनस एक्स्ट्रा होता है, क्या होता है, माइनस टाइम्स टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सॉरी साइन सी माइनस डी बाई टू, तो दिख रहा है कि एक माइनस आ रहा है और दोनों साइन के टर्म आ रहे हैं, एक साइन का तो कैंसिल हो जाएगा यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट नीचे एच बाई टू से, एक साइन बचेगा और एक माइनस बचेगा, तो उससे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलो अब हम अगले पे मूव करते हैं, अब मैं फंक्शन चेंज करते जाता हूं और तुम लोग खुद से करना, ठीक है ना, बाकी मैं तो कर ही रहा हूं बोर्ड पे, यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू ऑन योर ओन जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, ठीक है ना, तो लेट्स से अब हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन एक्स, ठीक है। चलो तो अब क्या करें, तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट f डैश x लिख रहा हूं मैं, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h इज अप्रोचेस जीरो f ऑफ x प्लस h, तो इधर क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, तो माइनस एल एन एक्स अपॉन h, ये क्वेश्चन हो गया हमारा इसमें। अब अगेन ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, लिमिट का क्वेश्चन कैसे करें हम, पहले एल एन ए बाई बी, एल एन ए माइनस एल एन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो गया मेरा एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ऑफ ए प्लस बी बाई ए बाई बी, तो एक्स प्लस एच अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच अप्रोच जीरो, ठीक है, एल एच अप्रोच जीरो, अभी भी जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। अब क्या करें, अब देखो मैंने इस एक्स को अलग अलग कर देता हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं एल एन ऑफ वन प्लस एच बाय एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब क्या करें, एल एन ऑफ वन प्लस समथिंग कैन बी रिप्लेस विद समथिंग, अगर समथिंग जीरो को जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे बताया था, एल एन ऑफ वन प्लस ए को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं अगर ए जीरो को जा रहा है, ठीक है ना, शॉर्टकट, नहीं तो क्या करो, ऐसे करते थे मेथड, क्या होता है, ए से डिवाइड किया, ए से मल्टीप्लाई किया यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट दिस इज वन, तो ए आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब देखो इधर एच बाय एक्स है, तो एच बाय, अगर एच जीरो को जा रहा है तो एच बाय एक्स भी ऑफ कोर्स जीरो को जाएगा, बट नीचे वो समथिंग डिफरेंट है, सेम बना लेते हैं, तो मैंने बोला इधर एक्स से मल्टीप्लाई किया, इधर एक्स किया, नाउ यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट दिस इज वन, ऐसे निकलो, या फिर नहीं तो डायरेक्टली बोल देते एल एन ऑफ वन प्लस समथिंग को एच बाय एक्स से रिप्लेस करते थे, एक्जैक्टली सेम आता आंसर उससे भी, ठीक है, ये एक्स, हाँ ठीक है, तो फाइनली दिस इज वॉट वन बाय एक्स, हेंस प्रूव्ड, एल एन एक्स का डायरेक्टिव वन बाय एक्स ही तो होता है, ठीक है बच्चों। चलो और देखते हैं, अब लिख लो रूट एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, और एक बार मैं लिस्ट भी कराऊंगा अभी जो भी मतलब फ्रिक्वेंटली यूजिंग है ना डिफरेंस डेरिवेटिव्स, मतलब जो फंक्शन के डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए, जैसे ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, ऑल इनवर्स वाले, फिर जो बेसिक है लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल, और फिर कुछ स्पेशल है, उन लोग के हम एक बार लिस्ट कर लेंगे सारे डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। चलो अब मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू लेट्स से रूट एक्स, ये भी मैं इजी वाले ले रहा हूं, ठीक है ना, सो दैट हमें ये तो एकदम टेस्ट हो जाए रूट एक्स का डेरिवेटिव, वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता ही होगा, ठीक है ना, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना। अब हम इसके यूज करेंगे, इससे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, दिस इज माय व्हाट एफ डैश एक्स, ठीक है। अब ये आया एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब अगेन लिमिट का क्वेश्चन, अब इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्या अपना ये बाइनोमियल से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बाइनोमियल का यूज कर सकते हैं बिल्कुल, या फिर रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइजेशन से थोड़ा आसान ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाइनोमियल, मैं ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो जिससे चाहो कर दो, आंसर सेम आएगा, बहुत हम प्रैक्टिस किए हैं रैशनलाइजेशन का भी, मतलब लिमिट्स तो हमने कहीं छोड़ा ही नहीं है, बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना, मतलब बहुत तरह की हमने शीट्स वगैरह लगा चुकी है। तो क्या करें, रैशनलाइज कर देते, तो ऊपर होगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, और नीचे भी यही फैक्टर, चलो लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स,
ठीक है। अब फर्दर मेरा ये क्या हो गया, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उधर से क्या है एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और नीचे मेरा ये एक एच लिखा हुआ है और ये लिखा है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ये एक्स से ये एक्स गया, ये एच से ये एच गया, तो फाइनली क्या बना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे एच को जीरो रख दो, इंडिटरमिनेंसी तो खत्म, तो क्या हो गया वन अपॉन ये रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट एक्स, तो दिस इज वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो और करते हैं हम, डोंट वरी बहुत करने वाले हम, इससे हमारा लिमिट का ही प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है, और बोर्ड के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अब हम मैं फंक्शन चेंज कर देता हूं, लेट्स से ए की पावर एक्स स्क्वायर, ए की पावर एक्स स्क्वायर, तो पहले तो मैंने एक बार डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी ये सब चीजें हम देखने वाले हैं, ये कंपोजिट फंक्शन है, हमें आगे टॉपिक में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, बट फॉर टाइमिंग मैंने बोला इसका डेरिवेटिव जैसे फिजिक्स वगैरह हम पढ़ते हैं उस नॉलेज के हिसाब से, क्या पहले e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन, e की पावर एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन का एक्स स्क्वायर का इज 2x, तो ये आंसर आना चाहिए हमारा फाइनली यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो चेक करो, वीडियो पॉज करो पहले, तुम लोग एक बार करो इसको, ठीक है ना, इसको तुम लोग करो, मैं इसको अब स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन पॉज इट एंड डू इट। तो अगेन f डैश x इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ x प्लस एच, तो इधर x की जगह x प्लस एच रखूंगा तो क्या आएगा, e की पावर x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ एक्स e की पावर x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h। अब ये तो हमने बहुत तरह के बहुत बार क्वेश्चन किया है इस टाइप का, e की पावर समथिंग माइनस e की पावर समथिंग, क्या करते हैं हम इधर वन बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब e की पावर x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, जैसे मैंने बोला इट इज समथिंग लाइक e की पावर a माइनस e की पावर b, तो हम इस टाइप का अगर कोई पैटर्न होता है तो हम डेफिनेटली क्या करते हैं इधर से e की पावर b कॉमन लेते हैं, e की पावर a माइनस b माइनस वन आ जाता है, ये चीज आ जाती है, फिर ये चीज जीरो को चली जाती है, तो हम e की पावर समथिंग माइनस वन को समथिंग से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं जैसे e की पावर a माइनस वन है, इसको वी कैन रिप्लेस विद ए अगर ए जीरो हो जा रहा है तो, ठीक है ना, यूजिंग शॉर्टकट्स, तो वैसा ही कुछ हम इधर करने वाले हैं, तो करो चलो, तो मैंने लिखा e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये क्या बना e की पावर एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। चलो अब मैंने बोला ये जो समथिंग है ये जो है दिस इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो अगर एच जीरो को जा रहा है, बिकॉज इधर मेरा क्या लिखा है लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, तो ये चीज जीरो को जा रही है, तो e की पावर समथिंग माइनस वन कैन बी रिप्लेस विद समथिंग। अब मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, तुम अगले स्टेप में लिख लो, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ये खत्म, ये समथिंग से रिप्लेस हो गया, न्यूमरेटर में इतना बचा, ठीक है। अब लिख लेते हैं फर्दर e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू, अब ओपन कर लिया इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो, क्लियर है। चलो अब अपन कैंसिल कर देते हैं, जो चीज कैंसिल हो रही है, तो ये कैंसिल हुई, ये कैंसिल हुई, एक एच से एक एच ये गया, एक एच ये गया, तो फाइनली क्या बना e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू, चलो इधर लिख लेते हैं, लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू जीरो, इधर से e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर, और इधर से मेरा बचा ब्रैकेट के अंदर एक तो h और 2x, इधर बचा h प्लस 2x। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, h अगर जीरो को जा रहा है तो कोई इंडिटरमिनेंसी तो है ना, ये खत्म, तो क्या है e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और यही तो हमारा था, क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा प्रूव हो गया, दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन बोर्ड, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है, ठीक है। और भले कोई भी फंक्शन आ जाए, अगर तुम्हारा लिमिट स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग छूट पाएगा, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन 100% हो जाएगा बोर्ड में भी, ठीक है। और मैं बोर्ड को स्ट्रेस ज्यादा दे रहा हूं बिकॉज फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके वो बोर्ड में ही पूछेगा, जेई में ऐसे तो नहीं बोलेगा ना इसका डेरिवेटिव निकालो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोई भी बंदा होगा तो मोस्ट उसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही करेगा ना, बट बोर्ड में तो कॉपी हमें लिखना होता है, ठीक है ना, तो वो तो पूरा चेक होती है, तो कॉपी एक एक, तो उसमें तो हमें निकालना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना, अगर बोला भी नहीं है तो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालना है वहां तो, ठीक है।
और बाकी बोर्ड में हमारा एक बार जेई का खत्म हो जाए फिर मैं तुम लोगों का बोर्ड का भी लूंगा थोड़ा बहुत, क्या क्या मतलब हमें ध्यान रखना है जो जेई में, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बोला था कि एल हॉस्पिटल हमको बोर्ड में अलाउ नहीं है, तो इस टाइप के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं कुछ कुछ चैप्टर्स में, वो हम एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट द बोर्ड, तुम देख भी रहे हो हर साल, मतलब हर साल का इस साल भी तुमने देखा ही है रिजल्ट कैसा रहा है, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट योर बोर्ड मार्क्स, वो मेरी जिम्मेदारी है, लीव ऑन मी, ठीक है। हाँ बस तुम्हें थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा। चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन। चलो देखो, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स, करो इसको, इसको करो, खुद से प्रैक्टिस होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है हमारा। जैसे स्टार्टिंग किया था साइन एक्स कॉस एक्स, फिर एल एन एक्स रूट है ई की पावर, फिर ई की पावर एक्स, अब ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो गया। कॉम्प्लिकेट मतलब उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, नाम कॉम्प्लिकेट बोल रहा हूं मैं, वैसे तो ईजी है, ठीक है ना। पर पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इसका नॉर्मल मेथड से निकालते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से क्या कैसे निकालेंगे हम, डिवीजन रूल लगेगा। कौन सा रूल, ये अभी हम सब पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ये सारी चीजें हमें ए टू जेड कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। बट फिर भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इवन हम इसका प्रूफ वगैरह भी देखने वाले हैं, ये आया कैसे, वो सारे प्रूफ भी किससे होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, वो मतलब बहुत क्लासिक चीज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन रूल, इससे मैं लगा लूंगा तो क्या आएगा मेरा, पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स, फिर एक्स एज इट इज माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन साइन एक्स एज इट इज अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरा ये आंसर आना चाहिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से करो, ठीक है ना। तो तुम्हारा लिमिट का प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार अच्छे से। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इतना पार्ट को मैं रब कर देता हूं। चलो लगाते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो मैंने लिखा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। चलो डायरेक्टली लिखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स एक्स प्लस एच रख देते हैं हर एक जगह, तो ये हो जाएगा मेरा साइन ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स अपॉन एच, खत्म। बस अब ये हमारा लिमिट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हम हमारा लिमिट का क्वेश्चन हो गया। क्या करें, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो इधर हो गया एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच, सॉरी एच स्क्वायर नहीं, एच है नीचे, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, ठीक है। अब पहले हम सिंप्लीफाई देख लेते हैं, कुछ कुछ जो टर्म प्रोडक्ट में है और कुछ फाइनाइट नंबर है उनको बाहर निकाल लेते हैं, सो दैट थोड़ा एक्सप्रेशन हमारा हल्का होगा। तो दिख रहा है ये वाला जो टर्म है एच टेंड्स टू जीरो पे, ये टर्म कहां जा रहा है, एक्स स्क्वायर को, विच इज अ फाइनाइट नंबर, मतलब एक्स के, तो एच तो है नहीं ना, तो इसके कारण कोई इंडिटरमिनेंसी आ रही नहीं, तो इसको हटा के मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, बाहर लिख देता हूं, चलेगा ना, इसको हटा के मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, बिकॉज दिस इज इन प्रोडक्ट फॉर्म फाइनाइट है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कुछ कुछ फील आ गई कि हाँ भाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब बाकी चीज भी रेडी कर लेते हैं। तो देखो अब क्या करो, पहले इसको इसको ओपन कर लेते हैं। तो लेट से मैंने वन बाय एक्स स्क्वायर, वन बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, इधर मेरा आया एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन हो गया ना, बेसिकली आकाश तुमने जो पूछा था मुझे, आकाश अभी क्या बोलते हैं अपना इसमें था, इसमें सीनेज में क्वेश्चन था sec x वाला, sec of x plus y into sec x वगैरह का टाइप का कुछ था, तो यू टोल्ड मी टू फाइंड इस यूजिंग विदाउट एल हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो वही चीज है, एग्जैक्टली वही है, उधर उधर sec था, इधर x टाइप की चीज है, साइन है सॉरी, ठीक है। तो इधर मेरा क्या आया माइनस एच साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, बल्कि वो तो और कॉम्प्लिकेट था, उधर साइन की जगह सेक था, तो फिर उसको हमें दोबारा एलसीएम लेना पड़ा था, इधर तो सिंपली साइन है। अब दिख रहा है कि अगर मैं सेपरेट करूं तो ये वाला टर्म, तो सेपरेट करूं तो लेट से मैंने एक ये मान लिया, एक पार्ट मैंने ये मान लिया और एक पार्ट ये मान लिया, तो एडिशन में सेपरेट कर सकता हूं अगर एक भी फाइनाइट है, तो दिख रहा है ये एच अपॉन एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन एक्स एक फाइनाइट आ जाएगा, इसका मतलब आई कैन सेपरेट द लिमिट्स, ठीक है ना। क्या कंडीशन थी, एडिशन में कब सेपरेट करते हैं, व्हेन एनी वन ऑफ द लिमिट इज फाइनाइट, प्रोडक्ट में क्या होता है फाइनाइट नॉन जीरो होना चाहिए, बट इधर जीरो भी चलता है। तो चलो करते हैं, तो मैंने बोला दिस इज इक्वल टू, चलो ऊपर का पार्ट मैं रब कर रहा हूं, ठीक है,
तुम लोग कॉपी कर लेना ऊपर का। तो सेपरेट किया तो देखो, पहले तो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x टाइम्स साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन h। अब देखना इसमें भी, चलो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर बाहर है, ठीक है ऐसा लिखा है। चलो लिमिट h अप्रोचेस 0 और ये हो गया ओके, चलो इसको ऐसे लिख लिया ठीक है ओके, जस्ट अ सेकेंड माइनस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर को अलग अलग दे दिया ठीक है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर इसी के साथ डील कर रहा है, एक्स स्क्वायर अलग दे दिया इस वाले पार्ट को ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब क्या करें, साइन सी माइनस साइन डी कर लो। अच्छा साइन सी माइनस साइन डी कर लो। अब देखना इधर बहुत एक अच्छी चीज आ गई लकीली, देखो हाँ ऑब्वियसली बात है, हम अगर इसका लिमिट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी करेंगे ठीक है ना, फिर वो आ जाएगा हमारा ये cos x आ जाएगा। बट अगर मैंने अभी हमने कुछ देर पहले sin x का डेरिवेटिव देखा था, तो देखो अब ये चीज मैं एक्चुअली ये चीज मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला था, हालांकि आगे चल के ठीक है ना, जेई में जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी मजेदार चीज आ गई और लकीली आया रियली, मैंने पहले नहीं सोचा था कि ऐसे मैं बताऊंगा ये चीज, बट अभी एकदम दिमाग में आया मेरे कि ये जो चीज है ना, देखना ध्यान से सुनना, बहुत मस्त चीज है और इसी के बारे में मैं आगे जाके जिक्र करने वाला था, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बोला था कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछेगा क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल बोलेगा नहीं, लेकिन हमें वो यूज कर आना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल वो चीज है। अगर अब इसको ध्यान से देखो, देखो ध्यान से क्या रहा है, क्या लिखा है, कैन आई से दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, क्या लिखा है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स f of, इसको पार्ट को कंसंट्रेट करो, f of x plus h minus fx upon h limit h tend to 0 is nothing but d by dx of sin x where d by dx of fx where my fx is sin x। तो अब इतने पार्ट की भी लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली तुम इसको लिख लो, sin x का डेरिवेटिव भी नो, इट इज cos x। तो फाइनली हमारा क्या आया, x cos x minus उधर sin x upon x square, that's it। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इस पे आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा इस पॉइंट पे ठीक है ना। क्या है कि जैसे हमें देखो क्या होगा कि इस वाले जो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, जो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, इसमें दो तरीके से जेई में क्वेश्चन को पूछ सकता है। कैसे कैसे, जेई में बोल रहा हूं ठीक है, एक तो क्या होगा कि भाई डिफरेंशिएशन उसने बोला, तो वो फंक्शन ऐसा होगा ना बल्कि कि उसका डिफरेंशिएशन निकालना बहुत मुश्किल होगा। याद है जैसे एक दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी में भी लिया था, वो e की पावर मॉड एक्स टाइप का कुछ तो था ठीक है ना, तो उधर हमने एलएचडी तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था और आरएचडी हमने डेरिवेटिव से निकाला था, एक उस टाइप का सिनेरियो, मतलब डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड हो जाए ठीक है ना उसका निकालना, बट लिमिट निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से वो बहुत आसान हो जाए। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। सेकंड कैटेगरी इज दिस कि हम उधर एक्सप्रेशन देख के समझ जाए यार ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मेट लिखा हुआ है एंड दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे विदाउट इवैल्यूएटिंग लिमिट, विदाउट फाइंडिंग दिस लिमिट डायरेक्टली हम उल्टा चल रहे हैं, हम अब उल्टा जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब हम डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं, समझ में आया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं कर रहे जेई का क्वेश्चन, जैसे मैंने क्या बोला है जेई में पूछा है तो हम कोशिश डिफरेंशिएशन से ही करेंगे ठीक है ना, कोशिश क्या मतलब डिफरेंशिएशन से ही करेंगे मोस्टली, वो बात अलग है कि अगर क्वेश्चन बहुत डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड हो रहा है तो हम एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्राई कर सकते हैं जो मैं बताया सिनेरियो वन, बट मोस्टली ये वाला सिनेरियो तुम्हारे काम आएगा, शीट में भी क्वेश्चन आएंगे ठीक है ना। एक तो क्या तुम इसकी लिमिट निकाल लो ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, बट उससे बेटर क्या होगा शॉर्टकट इज कि तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि भाई ये चीज लिखी है दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कॉस एक्स, क्लियर हुआ। तो स्ट्रेस दो इस पॉइंट को अच्छे से इलेबोरेट करके लिखो अपने से ठीक है ना, जितना ही मैंने एक्सप्लेन किया इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, क्लियर हुआ ठीक है। अभी आऊंगा मैं इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा ठीक है ना, अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं अगेन इस पॉइंट पे आऊंगा और जेई का क्वेश्चन लेंगे, जेई का जो पूछ सकता है ठीक है, इस पॉइंट पे स्ट्रेस देना है थोड़ा। चलो हाँ अब ले लेते हैं एक बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन हमारा और मनपसंद का, मैंने बोला भी था इसको हमें आगे चल के याद भी रखना है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स ठीक है, इसका डेरिवेटिव ठीक है, इसमें इसको हमने लिमिट्स में एट लास्ट में किया था इसका ठीक है ना एक क्वेश्चन, तो इसका पहले जो डेरिवेटिव रटा हुआ होना चाहिए
विच इज नथिंग बट एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स। इसको मैं एल एन एक्स की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूं, इसको एल एन वन को एल एन ई और एल एन ई प्लस एल एन एक्स एल एन ई एक्स, तो ये फर्दर कैन बी रिटन एज एल एन ऑफ ई इंटू एक्स। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए। अब हम इसका प्रूफ करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बेटर क्या होगा, तुम लोग वीडियो पॉज करो और खुद से करो, ज्यादा सीखोगे। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं। मैंने कहा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो x की जगह x प्लस एच रख लेते हैं, तो x प्लस एच की पावर x प्लस एच माइनस x की पावर x अपॉन h। क्लियर, ये तो फॉर्मूला लग दिया। फॉर्मूले में मैंने ये फंक्शन को रखा। अब क्या हो गया, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिट। अब लिमिट का कैसे करना है, तो देखो याद है वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तब मैंने बोला थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यू शुड थिंक ऑफ ln x, मतलब इसको हम log के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा आंसर, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस जीरो x प्लस एच की पावर x प्लस एच, क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस एच ln x प्लस एच, वही चीज लिखिए, ये और वो अभी एग्जैक्टली सेम लिखा है, कोई अंतर नहीं है, माइनस e की पावर x ln x होल डिवाइडेड बाय h, my limit h tends to zero। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अगेन अब दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, e की पावर समथिंग माइनस, जैसे e की पावर a माइनस e की पावर b, तो क्या करते हैं इसको वन बनाते हैं, तो हम e की पावर x ln x कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, चलो तो एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया ना लिमिट, मतलब मैं बता रहा हूं ना बहुत बहुत ही इजी जाने वाला है हमारे लिए। हाँ, नई चीज आई है वो इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद अब तुम्हारा हम डिफरेंशिएशन के बाद फिर अब हमारा इंटीग्रेशन पार्ट चालू होगा, फिर हम दोबारा डिफरेंशिएशन में आएंगे एट द लास्ट, मतलब जब तुम्हारा सितंबर चलेगा तब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, चलो अब आया इसके ऊपर, मैंने क्या बोला e की पावर x ln x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया e की पावर x ln x, अंदर क्या बचा e की पावर x plus h ln of x plus h minus x ln x minus 1 whole divided by h। क्लियर है यहां तक। अच्छा, e की पावर x ln x, तो e की x की पावर x लिखा है, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है ना, ये तो सिंपली x की पावर x लिखा है, तो मैंने इसको तो x की पावर x लिख लिया। ठीक है, x की पावर x, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें e की पावर समथिंग माइनस वन, दिस कैन बी रिप्लेस विद समथिंग, अगर समथिंग जीरो को जा रहा है तो देख लो भाई जा रहा है कि नहीं, अगर h जीरो को जा रहा है तो ये हो गया x ln x माइनस x ln x, तो ठीक है जीरो को जा रहा है, तो अब मैं इसको इसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकता हूं, तो क्या बना मेरा x की पावर x इंटू x प्लस h इंटू ln ऑफ x प्लस h माइनस x ln x होल डिवाइडेड बाय h लिमिट h अप्रोचेस जीरो, लिमिट h अप्रोचेस जीरो। चलो फर्दर इसको लिखने के लिए करने के लिए मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कॉपी कर लो। ठीक है ना, अब देखना अब क्या करें, अब देखो वही चीज जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन बनी थी साइन ऑफ, वो अभी जो किया था ना, तो हम क्या करते हैं पहले इसको सेपरेट कर देते हैं, सो दैट ये एच के नीचे ये एच करके उसको सेपरेट करके फाइनाइट आ जाएगा। देखो ये एच पे कंसंट्रेट करो, ये एच दिस अपॉन दिस करूंगा तो मेरा एच कैंसिल हो जाएगा इस पर्टिकुलर टर्म के लिए, तो इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, जैसे उधर किया था हमने इससे पहले वाले में, तो ये हो गया मेरा एक्स एल एन ऑफ एक्स प्लस एच, और इस एल एन एक्स को पहले लिख लिया मैंने एक्स एल एन एक्स, और ये हो गया प्लस एच एल एन एक्स प्लस एच। अब मैं सेपरेट कर रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है इसके नीचे एच आने वाला है और इसके नीचे एच आने वाला है, क्योंकि ये फाइनाइट आने वाला है, तो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, ये वाला एच तो कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये तो एल एन ऑफ एक्स प्लस एच आ गया, एक मिनट, हाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो पे ये क्या हो गया एल एन एक्स, चलो लिख लेते हैं, मैंने कहा इधर भी लिमिट एच टेंस टू जीरो है। ठीक है, सेपरेट कर दिया। अच्छा, तो ये तो मेरा प्लस, ये तो एल एन एक्स हो गया। अच्छा, बाहर याद रखना x की पावर x चल रहा है हमारा, ठीक है ना, बाहर हमारा x की पावर x चल रहा है। नाउ सी हियर, अब ये वाला जो पार्ट हो गया, अब देखो इधर भी, ये भी ध्यान से देखो, ये भी देखो इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। अब x कॉमन लिया, देखना ध्यान से, ऐसे लिखा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दिस इज एल एन ऑफ x प्लस h माइनस एल एन x डिवाइडेड बाय h। देखो ये अगेन स्टैंडर्ड बन गया हमारा, या तो डायरेक्ट या तो फिर कोई जैसे लिमिट निकालो, इसका कैसे निकालेंगे, एल एन ए माइनस एल एन बी का एल एन ए बाय बी करेंगे, फिर इधर हो जाएगा x, इन दोनों के नीचे आएगा तो आएगा एल एन ऑफ 1 प्लस एच बाय एक्स,
फिर नीचे h by x extended करने के लिए ये x इसके नीचे लेके जाऊंगा, फिर वो 1 हो जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट से। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, सुनना। इसी पॉइंट को तो मैं उधर स्ट्रेस दे रहा था, क्या बोला देखो सुनो दोबारा। एक तरीका तो क्या है, सुनना ध्यान से, एक तरीका तो क्या है, जैसे मैंने ऐसे लिखा x into, देखो ध्यान से, जो मैं एक्चुअली करते हम ln of x plus h by x upon h, फिर इसको सेपरेट करा 1 plus h by x, 1 plus h by x, फिर ये वाला x मैं इसके नीचे लेके गया। नाउ यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट अगर h 0 को जा रहा है तो ln of 1 plus something upon something is 1, अगर something 0 को जा रहा है तो ये 1 आ जाती, इतना करना पड़ता। बट मैंने बोला आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके डायरेक्टली इस, ये जो ब्रैकेट है ये ध्यान से देखो, दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट dy by dx of ln x, क्या लिखा है, f of x plus h minus fx upon h, limit h tends to 0, nothing but dy by dx of ln x, वो क्या होता है 1 by x, 1 by x into x is 1, तो फाइनली हमें क्या मिला, x की पावर x into 1 plus ln x, तो बहुत ही मजेदार चीज है ये, जो चीज मैंने बोला ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर है बच्चों? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, कॉपी करो इसको, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। और अपना खुद से भी क्वेश्चंस, जैसे तुम्हें पता है जो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, जैसे हमें पता है sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, जो चीज पता है तुम्हें ऑलरेडी, उसको तुम एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करो खुद के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, जैसे tan x का sec square x होता है, इस टाइप से, ठीक है। चलो अब मैंने लिखा नेक्स्ट y is equal to tan inverse x, चलो इसको थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, अच्छा ये, क्योंकि देखो अभी हमें, अब जैसे मान लो तुमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करना चाहा, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से, चलो पहले मैं जो चीज तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता उसका भी यूज कर लेता हूं पहले, फिर हम इसको एक थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे। तो पहला मेथड वन देखना, पहले मेथड वन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, हम क्या करते हैं, लिमिट एच स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो, दिस इज माई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच की जगह क्या जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब इसके लिए क्या था ना, तुम्हें इसका क्या बोलते हैं अपना फॉर्मूला चाहिए, tan inverse a माइनस tan inverse b का, ठीक है, दैट फॉर्मूला यू नीड, और नहीं तो वैसे उससे भी हो जाएगा ये हमारा एल हॉस्पिटल से, ठीक है, एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा। अब मैंने बोला कि इसके लिए मुझे tan inverse का फॉर्मूला चाहिए, तो उसके लिए पहले तुम लिख लो एक बार फॉर्मूला अभी के लिए, बाकी हम इनवर्स में बहुत डिटेल में उसका प्रूफ वगैरह भी देखने वाले हैं। अभी इधर मैंने ऐसे लिख लिया, इधर फॉर्मूला लिख लो tan inverse a माइनस tan inverse b, काफी कुछ सिमिलर होता है जैसे हमारा tan का होता है, ठीक है ना, सिमिलर मतलब वैसे उसी टाइप से ड्राइव होता है, बट अभी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज tan inverse a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, ठीक है, ये फॉर्मूला इधर लगा देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोच इज जीरो tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b, तो x प्लस h माइनस x, तो क्या हो गया h अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, तो x प्लस h इंटू x, तो x इंटू x प्लस h होल डिवाइडेड बाय h, देखो। अच्छा अब क्या हो गया tan इनवर्स समथिंग, अब मुझे पता है tan इनवर्स समथिंग कैन बी रिप्लेस विद समथिंग, अगर समथिंग जीरो को जा रहा है तो, अब दिख रहा है न्यूमरेटर में h लिखा है इसके, तो ये tan का, tan इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो जीरो को जा रहा है, तो tan इनवर्स को हटा सकता हूं मैं, यही हटा दिया, फिर ये h से h कैंसिल हो गया, ठीक है, तो मेरा फाइनली क्या आया देखो। अच्छा मैंने इधर तुम्हें वर्ड यूज किया था डिफरेंशिएशन, एल हॉस्पिटल लगा देंगे, सॉरी हम डिफरेंशिएशन तो कर ही रहे हैं, तो एल हॉस्पिटल सॉरी लगा सकते हैं, पर इसका मतलब डिफरेंशिएशन पता है tan inverse इसका, ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं हटा रहा हूं अपने उससे, मैंने बोला कि एल हॉस्पिटल नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, ऑफकोर्स क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन तो कर ही रहा हूं ना, डिफरेंशिएशन तो फाइंड ही कर रहे हैं उसका, तो हाउ कैन यू, मतलब जो चीज निकालनी है तो उसी की मदद वही चीज बोल रहे हो कि ये यूज करके, गलत है ना वो बात, तो इधर वो डिफरेंशिएशन से तो नहीं चलेगा, यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इंडिटरमिनेंसी खत्म, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे क्या हो रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो वो हमारा tan inverse का डेरिवेटिव होता है, ये तो पता ही है मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता ही होगा, ठीक है, हमने इसका यूज भी किया बहुत जगह, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया कि भाई इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला आना चाहिए था। अब मैंने बोला तुम लोग सोचो, चलो फिर मैंने बोला यू ट्राई विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, मतलब कैसे बोलो, मैं डायरेक्टली ज्यादा हिंट तो दूंगा नहीं, इतना बोला कि इसको अल्टरनेट कोई और तरीके से करो, सिंपल भाषा में मैंने बोला इसको सॉल्व इट विद डिफरेंट मेथड,
और मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या है मेथड, मेथड टू वो भी लिखना है तुम लोगों को, क्या लिखा है इसको, y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो मैं tan इनवर्स को उधर लेके गया, आई कैन राइट x इक्वल टू tan y, x इक्वल टू tan y। अब क्या किया, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग dy / dx मैं dx ओवर dy निकाल लेता हूं, और मुझे पता है dy / dx और dx ओवर dy दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर दूंगा, क्योंकि वो तो आज हमने प्रूफ देखा उसका डेरिवेशन का, कि dy / dx एंड dx ओवर dy आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो क्या किया मैंने, इसको निकाला, लेट्स से इसको मैं g ऑफ y बोल लेता हूं। अब मैंने बोला कि मैं निकाल रहा हूं dx ओवर dy, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो g ऑफ y प्लस h माइनस जी वाई अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये होता है ना, fx होता था तो f ऑफ x प्लस h माइनस, अब बस y के रिस्पेक्ट में निकाल y, तो इधर y आ जाएगा। तो चलो करते हैं, तो ये हो गया मेरा लिमिट h अप्रोचे जीरो, तो ये हो जाएगा tan ऑफ y प्लस h माइनस tan y अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, सॉरी लगा दिया दो बार लग गया, स्क्वायर मत कर देना, ठीक है ना। हाँ अब टेन एम, टेन ए माइनस टेन, हाँ ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं स्क्वायर अप कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला याद है, या तो नहीं है यहां तो कोई दिक्कत नहीं, साइन कॉस में कन्वर्ट करके करो तब भी हो जाएगा आंसर, बट डायरेक्टली हम जैसे मैं तो रिकमेंड करता हूं, मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को नहीं पढ़ाया था, बट आई यूज टू रिकमेंड दिस, tan a minus tan b is equal to tan of a minus b upon cos a cos b, sorry गलत लिख दिया, ऊपर ऊपर sin आएगा, ठीक है, this is sin, कैसे आता है, एक ही स्टेप का है डेरिवेशन, इसको sin cos में कन्वर्ट करो, LCM लोगे तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा sin a minus b का, sin a cos b minus cos a sin b, और नीचे वो LCM लेने के बाद cos a cos b बचेगा, तो यूजिंग दैट फॉर्मूला आई कैन राइट इट एज लिमिट एच अप्रोच जीरो, क्या लिखा, sin ऑफ a माइनस बी, तो y प्लस एच माइनस वाई एच अपॉन cos a cos b, तो ये हो गया cos of y प्लस एच इंटू cos y, और ये एक h इधर लिखा ही है, तो दिख रहा है आप लिमिट h टेंड्स टू जीरो पे इनडिटरमिनेंस खत्म इसके कारण आ रही थी, तो ये तो वन हो गया स्टैंडर्ड लिमिट से, तो फाइनली dx ओवर dy मेरा कितना आया, लिमिट h अप्रोचेस जीरो, y ये तो इंडिटरमिनेंसी आ नहीं रहा, y को जीरो रखो तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई विच इज नथिंग बट sec स्क्वायर वाई, दिस इज नथिंग बट वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, क्लियर है। अब dy by dx क्या होगा, अब मुझे पता है dy by dx इज नथिंग बट वन अपॉन dx ओवर dy, तो वन इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा तो क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, बट मुझे तो एक्स के टर्म में चाहिए, तो अब ये वाला इक्वेशन टेन स्क्वायर वाई किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो दिस इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यूजिंग मेथड टू, क्लियर हुआ। इसमें हमने टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला यूज किया, और जो जो मतलब प्रोसीजरल था उसमें टेन इनवर्स ए माइनस टेन, ऑफकोर्स वो आसान था, बट वो आसान जब होगा ना, जब हमें टेन इनवर्स ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला पता होगा, और इनकेस नहीं पता है तो फिर हमें इसी से जाना पड़ेगा, बट हाँ लॉजिकली देखा जाए तो ये ज्यादा सिखाता है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम में अगर पूछता है तो हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, बिकॉज दैट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। चलो अब मैं आता हूं वो चीज जो तुम्हें तो मैं बोल रहा था कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कुछ क्वेश्चन और है वैसे मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा पहले, या फिर तुम अपने से कर लेना, जो स्टैंडर्ड फंक्शन जो डेरिवेशन तुम्हें पता है, जिनके डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है ऑलरेडी, उसको तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना, और जो भी नहीं आता है आस्क मी कि सर मेरा इसमें नहीं आ रहा, इसकी लिमिट नहीं निकाल पा रहा हूं, क्या करूं, तो आई विल टेल, ठीक है। जो भी फंक्शन तुम एज्यूम कर रहे हो अगेन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत लेना, नॉर्मल लेना, ठीक है ना, नहीं तो लिमिट्स भी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, एटलीस्ट तुम जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज है ना, ठीक है ना, वो तो तुम ड्राइव कर ही लेना कम से कम, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल का। हाँ अब मैं आ रहा था किस टाइप की चीज में, कि मैंने क्या बोला कि एक दो सिनेरियो है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमें जेई में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक सिनेरियो तो क्या है कि भाई डिफरेंशिएशन उसका इतना हार्ड हो जाए और रिलेट कंपेयर टू फाइंडिंग द लिमिट्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एक सिनेरियो तो वो है, ठीक है ना, कि टफ हो गया डिफरेंशिएशन, बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, डिविजन रूल लग रहा है, वो बहुत सारी चीज वो लग रही है, ठीक है। सेकेंड इज सिनेरियो जो मैं अभी डिस्कस करूं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला कि कुछ एक्सप्रेशन दिया है तुम्हें, तो तुम्हें जज करना है कि भाई वो जो एक्सप्रेशन है वो तो उस फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में, ऐसे f ऑफ
ऐसे लिख लो, प्रॉपर ही लिख लो ऐसे। इस फॉर्म में लिखा है वेयर माई दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो डायरेक्ट इस फॉर्म में अगर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है या उसका कुछ पार्ट दिया हुआ है, जैसे अभी हमने देखा था ना दो क्वेश्चंस में देख चुके हम, वो एलएन उसमें एक्स के पावर एक्स वाले में, ठीक है ना, और साइन एक्स अपॉन एक्स वाले में भी देखे थे, तो उसी टाइप की चीज का डिस्कशन बोल रहा हूं मैं। अगर उस टाइप का दिख रहा है तो ये हम डायरेक्टली बोलेंगे दिस इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर हमें लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? अभी एक दो एग्जाम्पल करते हैं उससे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल, तो मैं इसको रब कर देता हूं। देखो एक तो पहले सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा इवेलुएट लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच। मान लो तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पता होता तो हमारा स्टार्टिंग कैसे करते हम, ठीक है ना, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, लिमिट का क्वेश्चन किस तरह ट्रीट करते हैं, फिर वो ई की पावर समथिंग माइनस ई की पावर समथिंग है इधर वन बनाते, ई की पावर रूट एक्स कॉमन लेते, ठीक है ना, दिस इज अवर प्रोसीजर। चलो मैंने कहा पहले प्रोसीजर से करते हैं, फिर क्या लिखते हैं ई की पावर रूट एक्स कॉमन लेते, फिर बनता है ई की पावर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एच, फिर ई की पावर समथिंग माइनस वन किससे रिप्लेस हो जाता समथिंग से, तो मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं ये इससे हो जाता, तुम लोग भी कॉपी कर लो इस मेथड से भी करो सॉल्व, ये हो जाता मेरा। फिर मैं क्या करता है रैशनलाइजेशन करता, रैशनलाइज करता या फिर बाइनोमियल से यूज करता, तो यार मल्टीपल अप्रोचेस, तो लेट्स से मैंने रैशनलाइज किया अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स सॉरी प्लस रूट एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स लिखा है टू रूट एक्स, तो इसको तो बाहर ले लेते तो वन अपॉन टू रूट एक्स। अब मैंने बोला ये दोनों को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करोगे तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एच बचेगा वो एच इस एच से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर ये आता। इतना करना पड़ा, करना पड़ता या ऐसे बोलो करना पड़ता, बट अगर हमें पता है कि ये भाई फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हम ध्यान से देखें उसी फॉर्म में लिखा है क्या, तो देखो बिल्कुल आंसर मिलेगा लिखा है। ये क्या लिखा है f of x plus h minus fx upon h where my fx is according to this my fx is what e की पावर रूट एक्स, तो भाई इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली लिख लेते हैं चेन रूल से, e की पावर रूट एक्स का क्या होगा e की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वही तो चीज आई हमारा इतनी मेहनत करने के बाद। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जेई में कैसे क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, वो कुछ पार्ट दे देगा ऐसा ऐसा हमें पहचानना पड़ेगा यार ये तो हाँ ये तो डेरिवेटिव लिखा है इस पर्टिकुलर फंक्शन का, तो उसमें क्या हमें थोड़ी कोई कैलकुलेशन बच जाएगी, हमें लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक तो मैं उल्टा बोला ही हूं कि हो सकता है लिमिट बहुत हार्ड हो सॉरी डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड जाए और लिमिट आसान हो जाए, तो देयर आर बोथ द वे दे कैन आस्क, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। चलो एक और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो निकालना, तुम्हें नोट निकालना लिमिट। एक तो क्या करना, पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, दोनों मेथड से करो, साइन स्क्वायर एच क्यूब प्लस पाई बाय थ्री माइनस थ्री बाय फोर अपॉन एच इंटू साइन एच इंटू टेन इनवर्स एच, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो एक तो क्या बोला मैंने कि तुम लोग पहले एज ए ट्रीट करो एज ए लिमिट का क्वेश्चन और इसको सॉल्व करो, ठीक है, एक वैसे करना है तुम लोग को। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, चलो अब मैंने बोला अभी तो मुझे क्लिक नहीं कर रहा है कि भाई ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मेट में दिया है कि नहीं, तो उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम तो क्या भाई, ये टुकड़े है ना इनको हटाओ, यहां से हटाओ, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, साइन एच को एच टेन इनवर्स एच को एच, तो फाइनली डिनोमीटर में क्या बना एच क्यू, तो थोड़ा तो सिंप्लीफाई हुआ भाई। अब देखो अब ये थ्री बाय फोर और ये बाय बाय थ्री देख के तो मैं क्लिक करना चाहिए, दिस इज अवर सेकंड थॉट कि भाई ये थ्री बाय फोर कैसे आ सकता है, साइन ऑफ पाई बाय थ्री का स्क्वायर, वो कैसे इंट लगी इधर पाई बाय थ्री देख के और इधर साइन देख के, सो दिस रूट थ्री बाय फोर इज नथिंग बट साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ पाई बाय थ्री, रूट थ्री बाय टू का स्क्वायर इज थ्री बाय फोर। अब क्लिक कर जाना चाहिए, अब देखो क्या है, साइन स्क्वायर एच क्यू प्लस पाई बाय थ्री माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय थ्री अपॉन एच क्यू। अभी भी अगर मान लो तुम्हें क्लिक नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल,
एक मिनट, हाँ ठीक है, अभी भी अगर तुम्हें कैलकुलेट नहीं करता है फर्स्ट प्रिंसिपल से तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अभी इसको नॉर्मल की तरह ट्रीट करो। इसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री का साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये होता हमारा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फर्दर इसको और चलो लिख लेते हैं, रिविजन हो जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलो एक बार मैं अभी ये फॉर्मूला बता दिया तो वो भी लगे हाथ बताई देता हूं, कॉस ऑफ ए माइनस बी, सो दैट हमारा एक बार ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? ये जब दोनों कॉस होते हैं तो एक कॉस साइन होता है, कॉस को प्रायोरिटी मिलती है, ऐसे मैं याद करवाता हूं जनरली, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस कैन फर्दर बी रिटन एज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। याद करने का क्या तरीका? जब दोनों दोनों साइन हो तो दोनों साइन आएंगे, मतलब दोनों सेम होंगे, और अगर एक दोनों कॉसाइन है तो एक कॉस और एक साइन होगा, ऐसे वी यूज टू मेमोराइज, आई यूज टू मेमोराइज। हाँ छोड़ो उसको, तो मैंने बोला या तो ये लगा दो उसके बाद सॉल्व करो, बट अगर मान लो तुम्हें एक मिनट के लिए क्लिक कर जाए तो एक काम करो, इसको तुम क्लिक खुद से करवाओ, ठीक है ना, इसको एक बार तुम बताओ किसका डेरिवेटिव होगा, मतलब बताओ कि क्या मतलब, अभी तो ऑफलाइन हो तो अभी तो नहीं बता पाओगे, लेकिन एज ए होमवर्क क्वेश्चन के लिए ट्रीट कर लो, ठीक है ना। क्या बोला मैं? इसको देखना, ध्यान करना, उस हमें किससे रिलेट करना है इसको, इससे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो, इससे रिलेट करना है, ठीक है। तो वैसे रिलेट ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, बट फिर भी एक बार करना, ठीक है। तो फिर आज के लिए अपन एंड अप करते हैं यहां का लेक्चर, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ो आज का लेक्चर, मतलब क्या बोलूं, जो मैंने बोला स्ट्रेस, ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल का थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, मतलब ऐसे चलो मैं इधर लिख देता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन, तो अपने से खुद से सेल्फ के लिए कर लेना। वैसे हम आगे जाके टेबल बनाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सारे डिफरेंशिएशन, जो बेसिक डिफरेंशिएशन है ना, जो फ्रिक्वेंटली यूज है, वो लिखेंगे। तो जैसे आज मैंने साइन एक्स का कर लिया, कॉस एक्स का बताइए, टेन एक्स का ऑलमोस्ट हो गया क्योंकि वो टेन वाई का किया था, तो अब तुम एक काम करो, सेक एक्स का कर लो, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का कर लो, ठीक है ना। सेक एक्स का वैसे क्या होता है बता देता हूं, सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और टेन एक्स का हो गया कॉट एक्स का, तो ये दोनों कर लेना, चलो ये दोनों खुद से फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से करना, ठीक है, नहीं आता है तो आस्क मी, ठीक है बच्चों। चलो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।